G20 क्या है? G20 एक्सप्लेन G20 के बारे में पूरी कहानी। G20 समिति क्या है? सब कुछ बताने वाला हूं। इस वीडियो में तो मेरा नाम है विकास और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं G20 के बारे में। G20 क्यों बनाया था? G20 को 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद बनाया गया था। मकसद यह था कि इन देशों के वित्त मंत्री और इनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नर दुनिया की आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर इस मंच के जरिए चर्चा करेंगे। G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। दुनिया के GDP में करीब 80% हिस्सेदारी इन देशों की है। G20 का उद्देश्य क्या है? G20 का उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना था। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इन देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की बैठक शुरू हुई। UN, IMF और विश्व बैंक के स्टाफ स्थायी होते हैं तथा इनके हेडक्वार्टर भी होते हैं, जबकि G20 का स्थायी स्टाफ नहीं होता है और न ही इसका हेडक्वार्टर ही है। G20 क्यों हो रहा है और यह क्या है? G20 का मतलब क्या है? G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों का सम्मेलन, जहां सदस्य देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय, व्यवसाय, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना है। दुनिया की GDP में G20 देशों की हिस्सेदारी करीब 85% है। ग्रुप ऑन ऑफ 20 G20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 1999 G20 की स्थापना। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2008 नेता स्तरीय समुन्नयन, 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। G20 की अध्यक्षता अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें, क्लिक करें। September 11th, 2023, 18:08 HRS में LM Logo G 20 Logo Search होम पेज G20 के बारे में। G20 के बारे में ग्रुप ओन ऑफ 20 G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 1999 G20 की स्थापना। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2008 नेता स्तरीय समुन्नयन, 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया।
G20 की अध्यक्षता अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें, क्लिक करें। G20 बैकग्राउंड ब्रीफ। G20 के सदस्य ग्रुप ONF20 G20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य, अमेरिका, यूरोपीय संघ, अतिथि देश बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FASB और OECD और क्षेत्रीय संगठनों AU, AUDA, NPAD और ASEAN की पीठों के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। G20 की कार्यशैली G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। दो ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं, जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं, शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह हैं जो G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रॉयका द्वारा समर्थित है, पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रॉयका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे।